अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। आप कई बरसों से मुसलसल लड़ रहे हैं लेकिन असल जंग अब शुरू हो रही है। अपने जहनों में इस जंग के मकसद को ताजा कर लो। ये फैसला कर लो कि हमें एक आजाद और बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहना है और हमें अपने खुदा के अजीम मजहब को कुफ्र के घनावने साए से आजाद रखना है। हमें सल्तनत इस्लामिया को वहां तक ले जाना है जहां तक मोहम्मद बिन कासिम ले गया था और जहां तक तारिक बिन ज़ियाद ले गया था। उनके बाद आने वालों का फर्ज ये था कि अल्लाह का पैगाम वहां से भी आगे ले जाते जहां तक कौम के ये बेटे ले गए थे, मगर अल्लाह की सल्तनत ऐसी सुकड़ी कि हमारे दीन के दुश्मन हमारे घर में आन बैठे हैं और वो खाना काबा और रोज़ा मुबारक को मिसमार करने के मनसूबे बनाए हुए हैं। क्यों, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? जब बादशाही का जुनून दिमागों पर काबिज होता है वहां सरहदें सुकड़ती हैं और तख्तो ताज की खातिर उमरा अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तर्क कर दिया करते हैं। हमारे जवाल का बायस तख्तो ताज का नशा और जर जवाहरात की मोहब्बत है। कहां वो वक्त के हम दुनिया पर छा गए थे और कहां हमारा वक्त के दुनिया हम पर छा गई है और हम आखिरत को फरामोश किए बैठे हैं। हम में दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रही। अस्करी जज्बे पर फानी दुनिया की झूठी लज्जतों का जादू चल गया है। याद रखो मेरे रफीको, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि कौम की किस्मत तलवार की नोक से लिखी जाती है और यह तहरीर उन मुजाहिदों की होती है जिनके हाथ में तलवार होती है। जब सालार तख्त पर बैठकर सर पर ताज रख लेते हैं तो उनके हाथों में ताकत नहीं रहती कि तलवार नयाम से बाहर खींच सके। उनके दिलों में अपने अकीदे और अपनी कौम के वक़ार के तहफ्फुज़ का जज्बा नहीं रहता। फिर मजहब का इस्तेमाल यही रह जाता है कि अपनी रियाया को मजहब के नाम पर धोखे दो और दुश्मन के साथ दरपर्दा दोस्ती कर लो ताकि आराम से अल्लाह के नेक बंदों और सादा लो बंदों पर हुकूमत कर सको। हम आज इस्लाम की अजमत की खातिर सिर्फ इसलिए घरों को खैरबाद कहने और दुश्मन पर टूट पड़ने के काबिल हुए हैं कि हमने इक्तदार के पुजारियों को खत्म कर दिया है। हमने आस्तीन के सांपों का सर कुचल डाला है। अगर हम हार गए तो इसकी वजह इसके सिवा और कोई नहीं हो सकती कि हमारी नीयत में फुतूर था। सुल्तान अयूबी ऐसी जज्बाती और लंबी तकरीर करने के आदी नहीं थे, लेकिन जिस मुहिम के लिए वो निकल रहे थे इसके लिए सबको जहनी और रूहानी तौर पर तैयार करना जरूरी था। ये उनके वफादार और काबिल एतमाद सालार और नायब सालार थे। उनमें मुजफ्फरुद्दीन जैसा काबिल और दलेर सालार भी मौजूद था जो किसी वक्त उनका साथ छोड़कर उनके मुखालिफ कैंप में चला गया और उनके खिलाफ लड़ा भी था। उसके साथ तकीउद्दीन और अफजलुद्दीन, फर्रुख शाह और मलकुल आदिल जैसे सालार भी थे जो उसके अपने खानदान और अपने खून के रिश्ते के थे। सालार ककबूरी उसका दस्तराज था। उनमें कोई ऐसा नहीं था जो फनी, तकनीकी और जज्बाती लिहाज से कमतर होता, लेकिन सुल्तान अयूबी पहली बार अर्ज फिलिस्तीन में हमले के लिए जा रहे थे और उनकी मंजिल बैतुल मक़दिस थी। ये मुहिम आसान नहीं थी। सलीबियों की जंगी क़ुव्वत ज्यादा भी थी और बरतर भी। सलीबियों को यह फायदा हासिल था कि उन्हें दिफा में अपनी जमीन पर लड़ना था जहां उन्हें रसद का कोई मसला दरपेश नहीं था और वो अपने मुस्तकर के करीब थे। सुल्तान अयूबी अपने मुस्तकर से दूर जा रहे थे। जहां तक रसद के रास्ते मखदूज थे, जंगी फनून के मुताबिक ज्यादातर दुश्वारियां हमलावर को पेश आती हैं और हमलावर की नफरी दुश्मन से अगर तीन गुना नहीं तो दुगनी जरूर होनी चाहिए, मगर सुल्तान अयूबी की नफरी कम थी। उन्हें यकीन था कि यह जंग बहुत तूल पकड़ेगी और घरों को वापस आना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये जरूरी समझा कि अपने सालारों को बता दें कि वो तारिक बिन ज़ियाद की उस कार्रवाई को जहन में रखें जिसमें उन्होंने बहरे रूम पार करके कश्तियां जला डाली थी, कि वापसी का ख्याल ही जहन से निकल जाए। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों बाउनवान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर क्या उफ्ताद पड़ी में लिखा है, सुल्तान का अकीदा यह था कि खुदा ने कुफार के खिलाफ लड़ने का जो हुक्म दिया है ये उसका फर्ज अव्वलीन है जिसे दुनिया के हर काम और हर फर्ज पर फाकियत हासिल है। कुफार से लड़ना और अल्लाह की हुक्मरानी कायम करना उसका ऐसा फर्ज है जो खुदा के हुक्म से उसे सौंपा गया है। ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अल्लाह की सल्तनत में शामिल करना और बनी नोए इंसान को अतात इलाही की तरफ लाना। उसने तमाम फौजों को जहां जहां वो थीं इस तरह के मकाम पर जमा होने का जो हुक्म भेजा उसमें अल्लाह के हुक्म के अल्फाज भी लिखे। सुल्तान अयूबी की नजरें मुस्तकबिल की तारीखियों में झांक रही थीं। उन्होंने हित्तीन के मुकाम को मैदान जंग बनाने का फैसला किया था। हित्तीन फलस्तीन का एक गुमनाम सा गाँव था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने इसे वो अजमत बख्शी के ईसाई दुनिया के जंगी मुबस्सिर आज भी तजिए करते नजर आते हैं कि सलीबी जंगों के इस हीरो ने किस किस्म की चालों और स्ट्रेटेजी से इतने ताकतवर और बरतर असलहे वाले दुश्मन को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी थी कि सलीबियों के एक के सिवा बाकी तमाम हुक्मरान जंगी कैदी हो गए थे। जंगी उलूम की बारीकियां समझने वाले मुबस्सिरों और मर्रखों ने
सुल्तान अयूबी की दीगर खूबियों के अलावा उनके इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस और कमांडो ऑपरेशन को खिराज तहसीन पेश किया है। ये है भी हकीकत के बकर बिन मोहम्मद जैसे जासूस अपनी जाने मौत के मुंह में रखकर अहम मालूमात हासिल कर रहे थे और सुल्तान अयूबी तक पहुंचा रहे थे। कुलसूम जैसी मजलूम लड़कियां शाहाना जिंदगी और ऐशो इशरत को ठुकरा कर अपने तौर पर इस्लामी फौज की मदद कर रही थीं। तारीख उन गुमनाम गाजियों और शहीदों के नाम बताने से कासिर है जिन्होंने पसे पर्दा और जमींदोज जिहाद किया और हित्तीन को तारीख इस्लाम की अजमत का निशान बनाया। सुल्तान अयूबी हमेशा जुमा के मुबारक दिन लड़ाई के लिए कूच किया करते थे कि यह कबूलियत का दिन है। इस मुबारक दिन हर मुसलमान खुदा के हुजूर झुका हुआ होता है। जब सिपाही अपनी कौम को इबादत में मसरूफ छोड़कर जिहाद के लिए निकलता है तो सारी कौम की दुआएं उसके साथ होती हैं। हित्तीन को कूच करने के लिए भी उन्होंने जुमा का दिन मुंतखब किया। 15 मार्च 1187 ईस्वी का दिन था। उन्होंने फौज का सिर्फ एक हिस्सा साथ लिया और करक के करीब जाकर खैमाजन हो गए। सलीबी जासूसों ने फौरन अपनी इत्तेहादी फौज को खबर पहुंचा दी कि सुल्तान अयूबी करक के करीब खैमाजन हो गए हैं। इससे यह मतलब लिया गया कि वो करक का मुहासरा करेंगे, लेकिन इसका मकसद ये था कि मिस्र और शाम के काफिले हज काबा से वापस आ रहे थे, उन पर करक के करीब ही हमले हुआ करते थे। वाली करक शहजादा अरनात इस मामले में बड़ा ही बदतीनत था। सुल्तान अयूबी इन काफिलों को खैरियत से वहां से गुजारने के लिए इस इलाके में चले गए थे। इसके अलावा उनका मकसद ये भी था कि सलीबियों को धोखा देकर और अपना दिफा फैला देने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने अपने सालारों को बता दिया था कि काफिले गुजार कर वो कहाँ जाएंगे। करक के महल में तो जैसे जलजला आ गया था। शहजादा अरनात को निशब के बाद जगाकर बताया गया कि कोई बहुत बड़ी फौज शहर से कुछ दूर खेमे गाड़ रही है। वो हड़बड़ा कर उठा। ये सुल्तान अयूबी के सिवा कौन हो सकता था? कुलसूम उसकी ख्वाबगाह में थी। वो अरनात के साथ दौड़ती शहर के बड़े दरवाजे के ऊपर वाली दीवार पर गई। वहां से सैकड़ों मशालें नजर आ रही थीं। ज्यादातर मशालें मुतहर्रिक थीं। खेमे गाड़े जा रहे थे। रात की खामोशी में घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अरनात ने अपनी फौज को मुहासरे में लड़ने के लिए दीवारों पर मोर्चा बंद कर दिया। दीवारों पर दिफाई इंतजाम मजबूत कर दिए गए। अरनात भाग दौड़ रहा था। उसे कुलसूम का कोई ख्याल नहीं था। कुलसूम वापस गई तो अरनात का मुहाफिज दस्ताबेदार होकर हुक्म का मुंतजर खड़ा था और एक जगह वो शाही बग्घी खड़ी थी जिस पर कुलसूम नासिरा गई थी और सैर के लिए भी गई थी। उसके पास बकर बिन मोहम्मद चाको चौबंद खड़ा था। वहां हर आदमी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। कुलसूम ने हुक्म के लहजे में बकर से कहा, सिबल बग्घी इधर लाओ। बकर बग्घी लाया तो कुलसूम उसमें बैठ गई। वो उसे किसी तरफ ले गई। अरनात के हरम की औरतें भागकर बाहर आ गई थीं। उन्होंने कुलसूम को, जो उनके लिए प्रिंसेस लिली थी, बग्गीबान को हुक्म देते और बग्गी में बैठकर जाते देखा तो उनमें से एक ने दांत पीसकर कहा, ये बदबख्त किसी मुसलमान की औलाद अपने आप को मलिका समझने लगी है, इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वक्त आ गया है। दूसरी ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी का मुहासरा बहुत खौफनाक हो चुका है। वो आग फेंकेगा और मंजनीकों से पत्थर फेंकेगा। अंदर भगदड़ और तबाही मचेगी और ये वक्त होगा जब हम इस मुचड़ी को ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारा चाहने वाला वो जर्नैल भी तो नहीं कुछ कर सका। तीसरी ने कहा, और बहुत हैं कुछ करने वाले। उसने जवाब दिया, कल शाम तक शहर की हालत देखना, फिर शहजादा अरनात किसी और शहजादी लिली को तलाश करेगा। उस वक्त कुलसूम ने बग्घी एक अंधेरी जगह रुकवा रखी थी। बकर बग्घी के साथ खड़ा था। कुलसूम उससे पूछ रही थी, हमारे आदमी अंदर से कोई दरवाजा खोलने का इंतजाम कर सकेंगे? कोशिश की जाएगी, बकर ने कहा। अगर ये फौज हमारी है तो मैं हैरान हूं कि हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी गई। सुल्तान अयूबी ऐसी गलती नहीं किया करते। मुझे कुछ शक है, ये सुबह पता चलेगा कि ये किसकी फौज है। क्या हम यहाँ से फरार हो सकेंगे? कुलसूम ने कहा, हालात पर मुनहसर है। मैं इस अफरा तफरी में अरनात को आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। ऐसी हरकत ना करना, बकर बिन मोहम्मद ने कहा। फौज शहर में दाखिल हो गई तो हम नजर रखेंगे कि वो फरार होने की कोशिश ना करे। कोई नई खबर? अरनात सुल्तान अयूबी को देख रहा था कि किस तरफ पेशकदमी करता है। कुलसूम ने कहा, अब हालात कुछ और हो गए हैं। पहले कहता था कि वो अपनी फौज के साथ झील गलेली को जा रहा है। ज्यादा देर ना रुको, बकर ने कहा, चलो वापस चलें। सुबह तुलू हुई तो कर्क की दीवारों पर दूर मार कमानों वाले तीरंदाज मुस्तैद खड़े थे। पत्थर और आग की हांडियां फेंकने वाली मंजनीकें नस्ब हो चुकी थीं। फौज तैयारी की हालत में खड़ी थी और शहजादा अरनात दीवार पर खड़ा सुल्तान अयूबी की फौज को देख रहा था। ये यकीन हो गया कि ये सुल्तान अयूबी की फौज है। ये मालूम ना हो सका कि सुल्तान खुद भी साथ हैं, मगर इस फौज में मुहासरे वाली कोई हरकत और सरगर्मी नहीं थी। खेमे लगे हुए थे और सिपाही रोजमर्रा मामूल में लगे हुए थे।
ये दिन गुजर गया, फिर 5-6 दिन और गुजर गए। अरनाद पर इंतजार और इस्तराब की कैफियत तारी रही। उसे जो नजर नहीं आ रहा था वो ये था कि रात को सुल्तान अयूबी ने अपने घुड़सवार छापामार उस रास्ते पर दूर तक फैला दिए जिन पर हुज्जाज के काफिलों को गुजरना था। चंद दिनों बाद पहला काफिला आता नजर आया। ये मिस्र का काफिला था। घुड़सवार इसके साथ हो गए। काफिला सुल्तान अयूबी की खैमागा के करीब पहुंचा तो सुल्तान दौड़कर आगे बढ़े और हुज्जाज से मुसाफा किया। उन्होंने अकीदत और एहतराम से सबके हाथ चूमे और अपनी खैमागा में उन्हें आराम और खाने के लिए रोका और उनके छापामार दूर तक हुज्जाज के साथ गए। एक ही रोज बाद शामी हुज्जाज का काफिला भी आ गया। उसका भी सुल्तान अयूबी ने इस्तकबाल किया, खाना खिलाया और अपने हिफाजती इंतजाम में उसे रुखसत किया। इतने दिन कर्ब के अंदर सलीबी फौज तैयारी की हालत में रही और शहर पर खौफ तारी रहा। सुल्तान अयूबी के जासूस अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। एक सुबह अरनाद को इत्तला मिली कि सुल्तान अयूबी की फौज जा रही है। अरनाद इसके सिवा कुछ भी ना देख सका कि हुज्जाज के दोनों काफिले सुल्तान अयूबी की फौज की हिफाजत में गुजर गए हैं। सुल्तान अयूबी के सिर्फ जासूसों को मालूम था कि असल मकसद क्या था। उन्होंने कूच से पहले उन्हें इत्तला भिजवा दी थी कि फौज कहीं और जा रही है और वो जासूस अरनाद की नकलो हरकत की इत्तलाएं देते रहे। 27 मई 1187 ईस्वी बमुताबिक 15 रबीउल अव्वल के रोज सुल्तान अयस्तर के मकाम पर जा खैमजन हुए। वहां मिस्र और शाम की फौजें उनसे जा मिली। उनका सबसे बड़ा बेटा अलमुल्कुल अफजल, जिसकी उम्र 16 साल थी, एक मशहूर सालार मुजफ्फरुद्दीन के साथ जा मिला। इस तरह उनकी सारी फौज जमा हो गई। उन्होंने तमाम सालारों नायब सालारों को आखिरी हिदायत देने के लिए जमा किया और कहा, मेरे रफीकों, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीजों और अपने घर वालों का ख्याल निकाल दो और दिलों में क़िबला अव्वल को बसा लो और दिलों में खुदाए ज़ुलजलाल का इसमें मुबारक नक्श कर लो, जिसने हमें ये सआदत बख्शी है कि क़िबला अव्वल को आज़ाद कराएं और अपनी बेटियों की बेइज्जती का इंतकाम लें जो कुफ्फार के हाथों बेआबरू हुई। अब हम जो बात करेंगे वो हकीकत की करेंगे। हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है और आपका मुकाबला 7 सलीबी बादशाहों की मुत्तहिदा फौज के साथ है, जिसमें 2200 सर से पांव तक जिरा बख्तर में डूबे हुए नाइट हैं। इनकी दूसरी फौज नीम जिरा पोश है। इस फौज को यह सहूलत हासिल है कि अपने मुस्तकर के करीब है और यह सारा इलाका उसका अपना है, जहां उसे रसद की कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमें दो जंगें लड़नी है, एक बराह रास्त दुश्मन के खिलाफ और दूसरी इन दुश्वारियों के खिलाफ जो हमें दरपेश होंगी। ये दुश्वारियां दुश्मन की तरफ मुंतकिल करनी है। उन्होंने नक्शा फैलाकर अपनी तलवार की नोक से सबको बताया कि उनका मैदान जंग कौन सा होगा। जो सालार जगह से वाकिफ थे उन्होंने चौंक कर सुल्तान अयूबी की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत थी। सुल्तान अयूबी उनके इस्तेजाब को समझ गए और मुस्कुराए। ये हित्तीन के मुजाफात का मैदान है, उन्होंने कहा। आप सोच रहे हैं कि यह जमीन सूखे हुए दरख्त की खाल की तरह खुश्क, ऊंची नीची और मौसम की बेरहमी से कटी फटी है, और यह जमीन इतनी प्यासी है कि इंसानों और हमारे घोड़ों का खून पी जाएगी। आपने देखा नहीं कि इसके इर्द गिर्द ऊंची नीची टीकरियां हैं? हाँ, ये सब बेआबो गया और प्यासी हैं। ये लोहे की तरह तप रही हैं। आपकी आंखों में जो सवाल है वो समझता हूं। वो कौन सी फौज है जो इस जहन्नुम नुमा इलाके में लड़ेगी? वो हमारी फौज होगी। आपके हल्के फुल्के सवारों के दस्ते यहाँ तितलियों की तरह उड़ते फिरेंगे और वो लोहे के लिबास में मलबूस नाइटों और नीम जरा पोश सलीबी सवारों को नचाते फिरेंगे। दुश्मन के ये सवार और प्यादे लोहे की तपिश से बहुत जल्दी प्यास से बेहाल हो जाएंगे और लोहे का वजन उन्हें इतनी फुर्ती से हरकत नहीं करने देगा जिस तेजी से हमारे सवार भागे दौड़ेंगे। आप जानते हैं कि मैं हर कार्रवाई जुमा के मुबारक रोज किया करता हूँ। मैं उस वक्त आगे बढ़ूंगा जब मस्जिदों में कौम खुतबा सुन रही होगी। ये वक्त कबूलियत का होता है। मैंने हर कस्बे और हर गाँव में इत्तला भिजवा दी थी कि जुमा के रोज दुआओं में अपने इन मुजाहिदीन को शामिल रखा करें जो जुमा की नमाज से महरूम होकर मैदान जंग में जख्मी होकर गिरते हैं, उठते हैं और जुमा न पढ़ सकने का खिराज लहू के नजरानों से अदा करते हैं। ये वो होगा जब सूरज सर पर होगा और लोहे को भट्टी की तरह गर्म कर देगा। और ये देखो, ये गलीली की झील है और ये दरिया है। उन्होंने तलवार को छड़ी की तरह नक्शे पर मार मार कर बताया। और ये वाहिद तालाब है जिसमें पानी है, बाकी तमाम तालाब खुश्क हो गए हैं। ये वो महीना है जिसे सलीब के पुजारी जून कहा करते हैं। हमें पानी और दुश्मन के दरमियान आना है। मैं अल्फाज में दुश्मन को पानी से महरूम कर चुका हूं। उसको अमली तौर पर प्यासा मारना आपका काम है। दुश्मन हित्तीन के मैदान में लड़ने से गुरेज करेगा, मैं उसे यहीं लड़ाऊंगा। फौज को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरुद्दीन और मेरा बेटा अफजल हम में नहीं है। वो एक हिस्से को साथ लेकर दरियाए उर्दन झील गलेली के जुनूब से पार कर गए थे। ये दस्ते जबले तूर तक पहुंचेंगे।
शायद पहुंच चुके होंगे। ये एक धोखा है जो मैं दुश्मन को दे रहा हूं। उन्होंने फौज के बाकी तीन हिस्सों की तफसीलात और उनके मिशन बताए। उन तीन में से एक हिस्सा अपनी कमान में रखा। मुअर्रखीन के मुताबिक यही हिस्सा रिजर्व और टास्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना था। यह फैसला कुन कार्रवाई के लिए था। इन हिस्सों को मुख्तलिफ मकामात से दरिया पार कराया गया। सलीबी अपने मुखबिरों और देखभाल के दस्तों के जरिए ये नकलो हरकत देख रहे थे, लेकिन ये ना समझे कि सुल्तान अयूबी का प्लान क्या है। सुल्तान अयूबी ने झील गलेली के मगरबी किनारे पर तिब्रिया के मुकाम पर एक पहाड़ी पर जा डेरे डाले। सलीबियों को एक और भी धोखा हुआ। सुल्तान अयूबी अक्सर छापामार किस्म की जंग लड़ा करते थे, शबखून ज्यादा मारा करते थे। कम से कम नफरी से दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर जरब लगाओ और भागो के उसूल पर हमले करते और दुश्मन को फैला देते थे। सलीबी उनकी इसी जंग के लिए तैयार थे। उनकी फौज का जो हिस्सा मुजफ्फरुद्दीन और अल अफजल की जेर कमान दरिया पार कर गया था, उसने सलीबियों की फौज की चौकियों यानी आउटपोस्टों पर शबखून मारने शुरू कर दिए। इससे सलीबियों को यह धोखा हुआ कि सुल्तान अयूबी अपने मखसूस अंदाज से लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने कोई और ही अंदाज सोच रखा था। छापामारों को उन्होंने हस्बे मामूल वही मिशन दिए जो हर जंग में दिया करते थे। सलीबी फौज कलाबंदियों में थी और माहिर भी थी। सुल्तान अयूबी ने तेज रफ्तारी से फौज को इस तरह डिप्लॉय कर दिया कि झील गलेली जो एक दो पानी के तालाब थे वो उनके कब्जे में आ गए। सलीबियों की फौज के एक हिस्से ने सेफोरिया के मुकाम पर इज्तिमा किया, लेकिन सुल्तान अयूबी आगे बढ़कर मुकाबला करने की बजाय तिब्रिया के मुकाम पर रुके रहे। वो सलीबियों को हत्तीन के करीब लाना चाहते थे। सलीबी आगे आते नजर न आए तो उन्होंने प्यादे दस्ते जरा आगे बढ़ा दिए और खुद हल्का रिसाला यानी लाइट कैवलरी लेकर तिब्रिया पर हमला कर दिया और हुक्म दिया कि तिब्रिया को तबाह बर्बाद करके शहर को आग लगा दी जाए। इस हुक्म पर अमल किया गया। तिब्रिया का कला जरा हटकर था, फौज कले में थी। शहर को बचाने के लिए फौज कले से निकलकर शहर को रवाना हुई। सुल्तान अयूबी ने उसका रास्ता रोक लिया। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज के दूसरे हिस्से मुख्तलिफ सिमतों को रवाना कर दिए थे। सलीबियों की फौज जो कले से आई थी उसकी कमान शाह रिमांड के हाथ में थी। तिब्रिया की टीकरियों पर उसकी और सुल्तान अयूबी की आमने सामने की लड़ाई हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद इस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करता है। दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हल्ला बोला। हरावल के सवार तीर चलाते आ रहे थे, फिर प्यादा दस्तों को भी मैदान में उतार दिया गया। सलीबियों को मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था। पीछे हटने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए दोनों फौजें इतने कहर से लड़ी जिसकी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। सारा दिन लड़ाई जारी रही। रात मुसलमान छापामारों ने दुश्मन को परेशान रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबिज थे। छापामार दुश्मन को पानी की तलाश में जाने भी नहीं देते थे। अगले रोज सलीबियों ने टीकरियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान बढ़ बढ़कर हमले करते थे, मगर सलीबी बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का रसाला चूंकि हल्का था, इसलिए उन्होंने टीकरियों का घेरा करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। प्यादा तीरंदाजों ने उनके सरों के ऊपर से तीर बरसाए। इतने में सलीबियों ने देखा कि उनके कमांडर का झंडा नजर नहीं आ रहा। ये फौरन ही मालूम हो गया कि उनका बादशाह रिमांड मैदान जंग से भाग गया है। हालांकि उसने सलीबे आजम पर हाथ रखकर अपने इत्तेहादियों का वफादार रहने और पीठ न दिखाने का हल्फ उठाया था। मौर्रख लिखते हैं कि सलीबे आजम हित्तीन की इस जंग में साथ लाई गई थी। सलीबियों के भागने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब दिफाई जंग लड़ रहे थे, बुलंदियां उनकी मदद कर रही थीं। ये दिन भी गुजर गया। मुसलमान फौज ने बेअंदाज खुश घास और लकड़ियां जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सुल्तान अयूबी की फौज घास और लकड़ियां जमा करती और आग तेज करती रही। दिन भर के भूखे प्यासे और थके हुए सलीबी टीकरियों पर झुलसने लगे। उनमें से एक दस्ते ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उनमें से किसी एक को भी जिंदा न जाने दिया। दूसरे दिन सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए और जर्नैलों समेत सुल्तान अयूबी की कैद में आ गई। सुल्तान अयूबी की फौज के दूसरे तीन हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर इस किस्म की जंग लड़ रहे थे कि कभी सलीबियों के पहलू पर हमला करते और निकल जाते और कभी अकब पर हमला करके इधर उधर हो जाते। एक दो प्यादा दस्ते इस अंदाज से दुश्मन के सामने रहे कि आगे बढ़ते और पीछे हटाते। इस सारा दुश्मन हित्तीन के मैदान में आ गया, मगर उस वक्त तक वो और उनके घोड़े प्यास से अधमुए हो चुके थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान।